जी नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनाली और आज सुबह सुबह मेट्रो से सीधे मैं पहुंच गई ISBT क्योंकि मैं जा रही हूँ देहरादून अकेले ऑफ कोर्स और मुझे ढूंढनी है उत्तराखंड परिवहन की बस, क्योंकि उत्तराखंड परिवहन की बस से मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ बीट देहरादून और हरिद्वार और ऋषिकेश। ये अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है तो थैंकफुली आज ISBT में इतनी भी भीड़ नहीं है एंड दिस इज व्हाट माय बस लुक्स लाइक। सो अपेरेंटली दिस चेंज इन प्लान, एक्चुअली मैं ना देहरादून की बस में बैठी थी जो वो वाली है, एक्चुअली वो बहुत फुल भी है एंड देन वहाँ पे बैग रखने के लिए जगह नहीं है एंड देन मैंने सोचा कि हम हरिद्वार से भी कनेक्टेड बस ले सकते हैं। सो हरिद्वार से भी मैं बस ले सकती हूँ जो कि मुझे डायरेक्ट मेरे डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी। सो आई हैव डिसाइडेड टू सिट ऑन दिस बस। पूरी बस खाली है, मुझे पता भी नहीं है कब जाने वाली है, बट आई एम हैप्पी कि पूरी खाली बस है, मुझे ना अच्छा लगता है। और अब मैं अपने लिए सीट डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं कौन सी सीट में बैठूँ। आई वॉन्ट विंडो सीट, प्लस मुझे अपना सामान सारा एडजस्ट करना है। वेटिंग वॉच। और काफी मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली मैंने अपना बैग एडजस्ट किया, बट थैंकफुली ये बस खाली थी। पहले मैंने सबसे परफेक्ट सीट चुनी थी वो वाली, बट उसमें विंडो खुल नहीं सकता, सो आई डिसाइडेड टू सिट ऑन दिस वन बिकॉज़ वी गॉट द एक्स्ट्रा विंडो। ओके, सो इस बस की टाइमिंग है 1 बजे, 1 बजे ये चलेगी, तब तक मैं खाना भी खा सकती हूँ, पूरी बस खाली है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया एक्चुअली। आई वाज थिंकिंग कि आई वाज सपोज टू रीच हियर एट 10, मतलब मुझे 10 बजे तक तो निकल ही जाना था दिल्ली से, बट पता नहीं कैसे मैं इतना लेट हो गई और अभी 12:45 समथिंग हो रहा है एंड देन 1 बजे बस जाएगी। 7 घंटे की तो जर्नी है, 6-7 घंटे तो लग जाएंगे। सो या फिंगर क्रॉस, लेट्स सी। बट आई एम हैप्पी। मेरा डब्बा बस में खाना खाने के भी अलग फीलिंग है, पहले पेट पूजो फिर काम लीजिए। अगर पेट भर रहेगा तो भूख भी नहीं लगेगी और हम अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे एंड फिर मैं अपने पूरे बस टाइम इंजॉय कर पाऊँगी। ज़्यादा विंडो सीट, लॉन्ग राइड, बस भी चल पड़ी है। 1 बजे का टाइम था और 1 बजे बस जा रही है, परफेक्टो। और बस भी पूरी खाली है। अच्छे से खाना खाने के बाद हमारी बस चल पड़ी ISBT से देहरादून की तरफ। फाइनली इस मोमेंट का मैं बहुत टाइम इंतजार करती हूँ कि जल्दी से बस छूटे और मैं अपना म्यूजिक प्ले करूँ और फिर हम निकल पड़े एक लॉन्ग राइड पे। आई लव 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 दीज हाईवेज, मैं इतना ट्रेवल कर चुकी हूँ इन पे, बट आई नेवर गेट बोर और आई लव मेरठ। जैसे ही हम मेरठ क्रॉस करते हैं हाईवेज ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं। सब कुछ इतना प्यारा सा हो रखा था, आजकल सरसों है तो सरसों के खेत देखे, इतने सारे फ्लावर, बस ये सब देख के मन खुश हो जाता है। वाओ, हाईवे के बगल में खड़े होना तो मजेदार है। यहाँ पे ना मुझे हमेशा से ऐसे पिट स्टॉप पसंद है। अभी थोड़ा खाने पीने का ब्रेक है बट हम सनसेट देख रहे हैं। अभी देहरादून के लिए तो बहुत टाइम है, यहाँ से आई गेस 1-1.5 घंटे और लगेगा हरिद्वार के लिए एंड देन वहाँ से नहीं बस है। बट सो फार सो गुड, आई मीन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो ना ऐसे। आई लव ऐसे बस राइड, लंबी सी अकेले बस में ट्रैवल करना, म्यूजिक एंड ऑल दैट, आई जस्ट लव इट।
और हमारी बस का आधा घंटे का ब्रेक खत्म हो गया, सो हम चल पड़े हरिद्वार की तरफ। बट मेरा स्नैक्स ब्रेक अब चालू होता है। आई लव हैविंग कुरकुरा और माजा या फ्रूटी ऐसे बस में। मुझे ना ये सब बेसिक चीजें करना बहुत पसंद है। आई मीन बस राइड की और कुरकुरे और फ्रूटी नहीं पी तो क्या किया। और फिर बस ऐसे ही मजे में देखते देखते खाते पीते गाने सुनते और मस्त हवाओं में लहराते हुए शाम हो गई। गुडनेस गुडनेस गुडनेस, आई हैव रीच्ड हियर। ओके, सो मैं पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार में एंड अभी मुझे बस देखनी है मियांवाला के लिए देहरादून। और यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी बस 4% है जो कि मुझे बचानी है, एंड देन मेरा कैमरा डेड होने वाला है, मैं इसको भी चार्ज करना भूल गई। सो आई सी यू गाइस लेटर ऑन। आई डोंट नो मैं अब इससे कितना शूट कर पाऊँगी, बट या अभी पहले मुझे सबसे पहले बस ढूँढनी है, बिग टास्क। फिर मुझे जल्दी से मियांवाला के लिए बस भी मिल गई और मैं पहुंच गई देहरादून। यहाँ पे 15 डिग्री टेम्परेचर है बट इट फील्स सो गुड। ओके जी, ऑफिशियली देहरादून में एंट्री हो चुकी है। यहाँ से मुझे जाने दूसरे वाली शॉप में अपना बैग उठा ही लेती हूँ, क्वाइट हैवी। ओके, सो यहाँ से दो ऑप्शन है। एक तो मैं अपने कजन ब्रदर को बुला सकती हूँ, सो वो मुझे पिक करने आ जाएगा। एंड सेकेंड कि मैं यहाँ से किसी विक्रम को पूछूँ, विक्रम वो होते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर का है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसे परेशान ना करूँ, पहले मैं पूछ लेती हूँ कितने में जाएंगे और क्या सीन। एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड, मतलब वी मेरा कजिन मुझे लेने आ रहा है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। फिलहाल मुझे एक अच्छी सी सीट मिल गई है बैठने के लिए, क्योंकि भारी हो रहा था इस होटल के बाहर में। लकी डेरी के बाहर में ऐसे मैंने हॉल ले लिया। और यहाँ पे आके ना ऐसे भी नहीं लग रहा कि जैसे बहुत ठंडी हो रही होगी, मुझे तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगी यहाँ पे, बहुत नॉर्मल सा है। एंड आई एम सो सॉरी बिकॉज आई कुड नॉट शूट मच, क्योंकि इस कैमरे की भी बैटरी डेड होने वाली है, 1% है, और वाला कैमरा ऑलरेडी डेड हो चुका है। बट आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, यू आर वॉचिंग टिल हियर, दिस वॉज टीनी टाइनी वीडियो। आई जस्ट वॉन्टेड टू शूट माई जर्नी, दैट्स इट, एंड वॉन्टेड टू शो यू कि हाँ ठीक है, नो मैटर कितनी बैड स्टार्ट हुई हो, एंडिंग इज ऑलवेज गुड इफ यू हैव फुल पॉजिटिव माइंड एंड इफ यू आर होपफुल एंड मूव विद अ गुड इंटेंशन, एंड दैट्स इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप गोइंग, कीप डूइंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। एंड हाँ, आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हमारे 2000 होने वाले हैं जल्दी से। ऑल्सो स्टे ट्यून बिकॉज अब से खूब सारे मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं।